वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार, आज बात करेंगे कुछ खास नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है पैंट। आप लोगों को अल्लाह बोलियो में बताए थे कि पैंट कैसे खोलना है। सबसे पहले स्टार्ट बटन में, फिर पैंट में क्लिक, ओके। इसके बाद आपका पैंट खुल गया। आज हम आपको बताएंगे कि पैंट में झंडा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल ले लीजिए, पर एक ड्रॉ कर दीजिए रेक्टेंगल। इसके बाद ये लाइन के बगल वाला ले लीजिएगा, इसका शिफ्ट के साथ खींच दीजिए इसको एक बार ऊपर की ओर, फिर से नीचे की ओर। इसको सही जगह पे रख दीजिए, झंडा की तरह। इसके फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, अच्छा सेलेक्ट कीजिएगा। इसका यहाँ से कॉपी पेस्ट स्क्रीन पे यहाँ के रख दीजिएगा। यहाँ से आपको जिसे अच्छा लगे देखने में आप आके इसको भी अच्छा सा लगा दीजिए, फिर से पेस्ट उसी तरह देना है। पेस्ट ये हो गया झंडा में। इसके बाद फिर ये वाला लाइन टूल लेना है आपको, फिर ऊपर से नीचे की ओर सीधी लाइन खींच देना है। ये हो गया आपको। फिर से यहाँ से कलर चूज कर लेना है, यहाँ साइकिल ले लेना है, यहाँ से बीच में दे देना है इसका। यहाँ से आप पतला मोटा नहीं, पतला कर सकते हैं, एक पतला भी है मोटा भी कर सकते हैं आप, दिखने में अच्छा लगे। फिर से आप यहाँ से कलर चूज कर लीजिएगा, यहाँ से पतला कर लीजिएगा। फिर यहाँ सर्कल में बनाना है आपको, लाइन लेके इसमें तो 24 वो होता है, आप लोगों को पता ही होगा इसमें 24 रहता है सर्कल में, तो इसमें आप 24 वो दे सकते हैं। जगह नहीं जगह से भी कम चलेगा, जगह कम होने की वजह से पता नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको ये झंडा कलर हो गया, आप कलर कर सकते हैं। यहाँ ये वाला डिब्बा है जो कलर का बॉक्स दिख रहा है, फिल विद कलर इसमें होता है, इसको एक बार क्लिक कीजिएगा। इसके बाद झंडा में ऊपर ऑरेंज कलर, ऊपर ऑरेंज कलर कर दीजिए, नीचे ग्रीन कलर, फिर ग्रीन कलर चूज करके नीचे ग्रीन कलर कर देना है आपको। कलर अच्छा से करना है, जैसे बॉर्डर साइड लाइन में नहीं जाए, बीचों बीच खींच जाए। इसके बाद इसे यहाँ से इस साइज से जाके आप यहाँ पे 25 पे गिरा देना है। 25 सबसे अच्छा होता है रोटेट करने के लिए। इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट दो आ गया इसके साथ। इसके बाद आपको यहाँ से इसको रोटेट कर लीजिएगा फीट हॉरिजॉन्टल, ये अच्छा रहेगा फीट हॉरिजॉन्टल में, दोनों साइड हो गया इनका। इसको यहाँ उठा के ले जाइए इसके बीच बीच, इनको बराबर पे रख दीजिए, ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। इसके बाद इसके नीचे देना है आपको, ये आपको बन गया झंडा। इसके बाद नीचे से जो फिर रेक्टेंगल लेना है आपको, यहाँ से कलर करना है आपको, ब्लैक ले लेना चॉइस करके। उसके बाद फिर यहाँ से पतला आ रहा है आपको, यहाँ यहाँ से आपको मोटा करना है, यहाँ से इस तरह करके अच्छा से खींचना है इनको ऊपर की तरफ। ये ऊपर की तरफ और ले जाना, अच्छा दीजिएगा ये दिखने में अच्छा लगे। थोड़ा ऊपर की ओर ले जाइए, इसका फिर से यहाँ से लीजिए और एक यहाँ से फिर से बना लीजिएगा और फिर एक लीजिए,
फिर इसमें से फिर एक बना दीजिए, ऊपर अच्छा से लिखिएगा मुझे बराबर अच्छा लगे दिखने में। उसके बाद यहाँ से रेजर लेना, जो आपका साइड जो निकला हुआ इसको कट कर देना, क्लिक कीजिएगा वो सब मिट जाएगा आपका रेजर लेके। यहाँ से फिर आप कलर टूल में जाइए, कलर बॉक्स, यहाँ से कलर चॉइस कीजिए, ऑरेंज ऊपर में रहते हैं ऑरेंज कर दीजिए, फिर नीचे में ग्रीन, फिर नीचे में ग्रीन कर दीजिए आप। इसके से यहाँ से फिर ब्राउन कलर लीजिए, यहाँ पे ब्राउन कर सकते हैं, अच्छा से कलर करना है, बीचों बीच लेना है। यहाँ से आप ब्राउन कलर इसमें भी ब्राउन कलर कर दीजिए। ये झंडा बन गया आपका। तो चाहते हैं कि ना इसमें और कुछ देना है लगाना है, यहाँ से आप लगा सकते हैं। यहाँ से एक धागा यहाँ से नीचे की ओर खींच देना है, जो लगे थोड़ा अच्छा। तो बीच से फिर उठा लेना इस तरह, फिर और एक बार इससे लेना है आपको, ये तो आ गया ना आपका। यहाँ से फिर से लेना है एक, यहाँ से फिर यहाँ से जरा यहाँ से पीछे भी फेस होता है उठा दीजिए, दिखने में अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका झंडा बन गया, जैसे मिट गया आपको फिर से इनको स्विचर करना है, फिर से बीच से उठा लेना है, सुसाइज कर लीजिए, ये दिखने में अच्छा रहे। झंडा बन गया आपका। चाहते कि ना इसमें और कुछ देना है, जैसे आप यहाँ से स्टार लगा सकते हैं, छोटा छोटा स्टार यहाँ दे दीजिए, दिखने में अच्छा रहेगा। साइड साइड में दीजिए जो दिखने में अच्छा रहेगा थोड़ा। इसमें भी आप चाहते हैं कलर कर दें, यहाँ पे कलर चूज कर लीजिएगा, यहाँ पे कलर बॉक्स में लीजिएगा, इसके बाद कलर चूज कीजिएगा, बीचों बीच कलर कर देना है आपको, जो जो से कलर आपको पसंद करना है वो सब कलर लेके बीचों बीच क्लिक कीजिएगा, साइड बॉक्स में चल जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा, पूरे में कलर वही देखने लगेगा। यहाँ पे एक ग्रीन कलर लीजिए चूज करके, आपको जो मन करे जो कलर लेने का वो कलर दीजिए जो दिखने में अच्छा रहे। यहाँ से भी सब कलर करिए, फिर दूसरा कलर और भी कलर जो चाहते हैं यहाँ जाइए, इसके बाद सब में अपना कलर चूज कर सकते हैं, कलर ओके कीजिएगा। फिर यहाँ से समय बीचों बीच कलर करना है जिससे अच्छा लगे दिखने में। फिर ये और भी कलर चाहिए यहाँ से, फिर ओके कीजिए, यहाँ से बीच में कलर कर दें। जैसे चाहती है इसके ऊपर और कुछ लिखना है तो यहाँ पे ये लेटर है टेक्स्ट, इससे ऊपर यहाँ पे आप बीचों बीच दे दीजिए, खींच दीजिए। इससे साइज बड़ा है तो साइज छोटा कर लेना है आपको, इसे साइज थोड़ा छोटा करना है, जैसे 12-14 चलेगा आपका। यहाँ से बना लेना इस तरह, इसके बाद यहाँ देख लेना है कौन सा साइटिंग पर अच्छा होगा, यहाँ सिंपल है ठीक है। इसमें लिख लेना है छोटी है तो बड़ी कर लेना है, लिखना है आई एलो वी लव माई इंडिया आई एंड डी आई ई, ये हो गया आपका लिखा हुआ, इसको बीच में कर देना है आपको, तो दिखने में अच्छा रहेगा उनको बीचों बीच अच्छा रहेगा। आपका झंडा रेडी हो गया बनके।